आग निकल रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसके मुख्यतः तो दो कारण होते हैं, और इसका मेन पहला कारण होता है कि जो आपकी ठोकर होती है अगर वो सही से एडजस्ट नहीं होगी। अगर आपकी ठोकर एडजस्टेबल है तो उसको एडजस्ट किया जाता है, और जो सिम वाली होती हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं तो इनको सिम से कम ज़्यादा करके इसकी जो ठोकर है उसको सेट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ठोकर इतनी होनी चाहिए कि आपका जो प्लंजर होता है वो जाम ना होना चाहिए, जो पंप के अंदर पड़ा होता है वो जाम नहीं होना चाहिए, इतनी ठोकर होनी चाहिए। इसमें ठोकर अगर ज़्यादा होगी तब भी आपका इंजन हरकत करेगा, और अगर ठोकर कम होगी तो जो पोजीशन आपने पहले वीडियो में देखा है तो ये पोजीशन बिल्कुल पक्का है। जब कम होगी तो ये आएगी, क्योंकि जो डीजल की सप्लाई है वो इसकी जो है बाधित होने लगती है, तब ये दिक्कत खड़ी हो जाती है इसके वजह से, और आपका इंजन जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगा, और आप समझ नहीं पाएंगे कि इंजन में क्या दिक्कत आई है या क्या दिक्कत बन चुकी है। आप तरह तरह के पार्ट इसके चेंज कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन इसकी ये दो दिक्कतें हो गई। और एक दिक्कत इसकी क्या होती है कि आपका अगर नोजल जाम कर रहा है, कभी कभी ये दिक्कत उससे भी बन जाती है, क्योंकि नोजल जब जाम करेगा और आपका जो डीजल है वो पूरे पिस्टन पे फैला कर नहीं देगा तो जो डीजल है वो जला नहीं पाएगा पिस्टन, जिससे कि ये आग निकलेगी। और इसके साथ साथ में अगर आपका जो टाइपेड है, टाइपेड सही तरीके से एडजस्ट नहीं है, और जो इनलेट की वाल है यानी कि जिसको आप कह लीजिए एयर क्लीनर की या ठंडी वाल कह लीजिए, वो अगर सही से खुल नहीं रही है, यानी कि जब उसको खुलना चाहिए और वो पूरे जितना खुलना चाहिए पूरी नहीं खुल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपका इंजन बिल्कुल इसी प्रकार की जो है हरकत करेगा। ये बिल्कुल 100% गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि अगर आपका इंजन आग उगल रहा है तो जो जो हमने बताया है इसको सेट करें, आपका इंजन बिल्कुल ही आग उगलना बंद कर देगा। और ये ठोकर कम ज़्यादा होने से इंजन की स्टार्टिंग है वो भी बाधित होती है, यानी कि लेट हो जाती है, क्योंकि जब ठोकर ज़्यादा होगी तो तेल ज़्यादा देगा, और जो कि इसका नोजल का और प्लंजर का मैच नहीं करेगा, तब भी आपके इंजन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर ठोकर की एडजस्टिंग सही नहीं होगी तो ये जो आग उगलने वाली दिक्कत है सबसे बड़ी दो चीज़ों से होती है, एक तो ठोकर से और दूसरी जो है आपकी जो ठंडी वाल है यानी कि इनलेट, ये सबसे बड़ी दिक्कतें दो जगह से इसकी तैयार होती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों को भी ये भेजें, और इसी प्रकार की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी हर संभव हम मदद करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।